हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस क्लासरूम। ये है साइंस एंड मैथ्स पार्क इन हिल व्यू सेकेंडरी स्कूल शिलोंग। ये स्कूल शिलोंग में ही है, तो इस स्कूल में आते ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस स्कूल की एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन, यहाँ का हर चीज़ को परफेक्शन में रखा हुआ है, तो मुझे आते ही यहाँ पे पीरियोडिक टेबल देखने को मिला। तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सिंबल ऑफ सॉलिड, सिंबल ऑफ लिक्विड एंड सिंबल ऑफ गैसेस। तो आजकल के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हमें चीज़ों को एक्टिविटी के साथ करने से ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक कोन रखा हुआ है। तो ऐसे स्कूलों में साइंस एंड मैथ्स पार्क बहुत ही कम होते हैं, और मेरे ख्याल से हर स्कूल में से छोटा मोटा एक साइंस एंड मैथ्स पार्क रखने से बच्चे एक्टिविटी के साथ चीज़ें सीख पाएंगे, तो बहुत ही अच्छा है। और कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे इतना ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे एक स्फेरिकल प्लेट है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में रखा हुआ है, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 0 डिग्री। आप यहाँ पे एंगल बना सकते हैं और बच्चे करके सीखेंगे तभी तो उनको सीखने में मज़ा आएगा। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ग्रीनरी मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये एक सर्कुलर रोटेटिंग प्लेट है और यहाँ पे एक स्लाइडिंग टेबल है, ठीक से काम नहीं कर रहा है ये अभी भी। तो ये एक साउंड सिस्टम है। तो इस स्कूल की यही खासियत है, यहाँ पे मतलब हर चीज़ को एक परफेक्शन से रखा हुआ है। यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ पे नॉइज़ कंट्रोल और चीज़ें बहुत ही मतलब संभाल के रखा हुआ है। और एक्चुअली ये एक आर्मी एरिया है, तो यहाँ पे हर चीज़ें को रूल रेगुलेशन और डिसिप्लिन के साथ मानते हैं। आर्मी कैंपस के अंदर ही है ये स्कूल। और कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी पुरानी है, इतने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आजकल के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में बच्चे ये सब करके सीखना, इसमें जोर देना चाहिए, क्योंकि हमारे NEP भी यही कहते हैं कि बच्चे करके सीखे, क्योंकि बर्डन ऑफ करिकुलम थोड़ा रिड्यूस हो जाए तो बच्चे में जो आउटकम है वो अच्छे से हो पाता है। तो ये एक यहाँ पे वही चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके चल रहे हैं। तो ओवरऑल इस स्कूल की हर चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का क्लीनलीनेस, गार्डनिंग, ओवरऑल व्यू बहुत ही अच्छा है, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट वो तो बहुत ही